हो सकता है एक कदम आप आगे हैं अगर आपको बुरा ना लगे तो, ये जो गैप है ये अगर वो कम हो जाए। अंकल जी अच्छे भी है जना दीवार से कॉलेज से आ जाओ मेरे इधर करीब आ जाओगे मेहरबानी दरूद पढ़ते हो मिलकर बुलंद आवाज और पिछले पांच सात दिन से नासाज है गला खराब है बल्कि मैंने अभी जो हटा पढ़ते हुए मेंबर पे भी कहा है कि मैं अगले चार पाँच दिन आराम करूँगा डॉक्टर ने मुझे ये कहा है लेकिन कमाल करम हुआ है कि आके वाला इन बच्चों के अकीदे सलामत रखे ऐसा कुछ करम हुआ है मैं अपने आप को बहुत ठीक महसूस कर रहा हूँ। हाँ बीबी आपको इज्जत दे सलामत रहे। आप सब लोग इस बात से खबर है कि अजीब कर्म है जमात इस्लामी और रजब का और तरफैन का ताल्लुक बड़ा अजीब है। वो महीना सैयदा के जिक्र पे ख़त्म होता है ये महीना मोहम्मद से शुरू होता है। वो मीम जिसमें शत का हिजाब उसूल है
उस मीम से मुराद जनाबे बदू। Amen.
आप जिए, आप टीचर जो है आप इतने बड़े मारूफ उस्ताद जो है, तो आपका ये फैसला मुझे बड़ा अच्छा लगा। कुल हुवल्लाहु अहद, वो अहद है, अल्लाह वाली नबी फरमाने मैं नूर वाहिद, हम एक ही नूर के दो हैं, एक के दो, दो का एक, एक के दो, दो का एक। इब्ने सुकैत हाथ पांचे खड़ा है मुतवक्किल के सामने, कहता बात मेरी जिंदगी की आखिरी है, बात मेरी जिंदगी की। चलो आप मुझे देखिए, बात मेरी जिंदगी की आखिरी है, जानता मैं हूं कि इसके बाद मैं बात नहीं कर सकूंगा, लेकिन बात मैं इतनी बड़ी करके जा रहा हूं, मैं रहूं ना रहूं मेरी बात रहेगी। ठहरे मगर हसनैन वाहिद है, उन्हें औसाफ में देखूं तो वो हम सर दिखाई दे। औखा कम है इमाम हुसैन के पुत्र की कसम है, मौला मेरे हिस्से के काम लाए थे, औखा कम है दाद लेना, कम ही क्यों नहीं मेरी हजार मजा ले। अगर चे तस्निया ठहरे मगर हसनैन वाहिद है, आप पीछे बैठ गए, मुझे मिस्से की कीमत आप लोगों से चाहिए। इन्हें औसाफ में देखूं तो वो हम सर दिखाई दे, अली की आल से निस्बत तसव्वुर से परे ठहरी, तेरे बेटे मुझे कंबर से भी कम दर दे। बुजुर्गों के दर्जात
दुआ दुआ की जरूरत है, जिसके अपने घर में उस जैसा दो। सलामत रहे, जिसके अपने घर में उस जैसा दो उसे हुसैन कहते हैं। अच्छा, अस्मा और है, अलकाब और है, सुन लेते बंद कर दे, जरूर पढ़ो मिलके बुलंद। बंद कर दिया, अक्की बात सेमी कर दी थी, दरूद पढ़िया जाए फिर। अश्मा वो है जो उसने अपने इस्म से इन्हें अता की, आप यकीन कीजिएगा अली से लेके कायम तक इनका कमाल ये है कि इनके इस्म जमी जैसे हैं, जिस्म नबी जैसे हैं। बड़ा दुखी की दास बोले इन्हें जुमला समझ आया तो नहीं बोले, शाबाश। सलाम है सलीमन लोड़िया लिया जी वो अनवर गाजी इस तरह नहीं, मैं आप तो उठा दो करा गाजी तो इस तरह नहीं। अंकल जी 39 सचरे में पढ़ चुका हूँ, आपकी दुआओं से आपके हाथों का लगाया हुआ पौधा सजर हो गया, और पता नहीं कहाँ कहाँ मैंने पढ़ा, मुझे इज्जत है मिंबर की कसम, ये मिंबर की दीवार पे मेरा हाथ है, मौला के घर की दीवार पे। मैं जिंदगी में पहली बार किसी जगह पे जुमला कह रहा हूँ, अजीब है ये बारा, इनके इस्म की बड़ी आई है जिस मुस्तफाई। अच्छा, हर मुस्तफा बदन को किबरिया ने कुछ अलहदा अलहदा तलिस्मात का तोहफा अदा किया। ये सारे मुस्तफाई बदन मुर्तजाई और साफ और मुश्तबाई कमालात से सजे हुए। उर्दू भी पढ़ा करो, ये भी मजमून है। ये सारे मुस्तफाई बदन मुर्तजाई अजायब और मुश्तबाई कमालात से, बल्कि मुर्तजाई अजायब और मुश्तबाई गराइब से। हम न होंगे तो हमें याद करेगी दुनिया, सजे हुए बसे हुए। फिर हर साहिब इस्म को उस करीम ने कुछ कमालात ऐसे अदा किए हैं जो लकब होने के बावजूद नाम का हिस्सा बन गए। मुर्तजा भी नाम नहीं है, सरकार का लफ्ज है, नाम है, सरकार का अपना जाती है इस्म अली है जो उस अली ने अदा किया है। एक बिल्कुल अलहदा से बास है, अरबी जुबान में 30 बरस को, और जब बीबी फातिमा बिन्त असद ने सरकार इशारत में आपकी तशरीफ आवरी की खबर सरकार अबू तालिब को दी और कहा बहुत कमाल बच्चा, बहुत खूबसूरत बच्चा आमना की आगोश में आया है, अबू तालिब ने कहा इंतजार कर 30 साल के बाद मैं भी तुझे ऐसा बच्चा था। तवज्जो रहे, लकब पूरे 30 साल का फर्क है मेरे नबी के आने में और अली बादशाह की तशरीफ आवरी में। वो यकम आमुल फील को तशरीफ लाए नबीउल अंबिया, और अली 30 आमुल फील को। आमुल फील को हाथियों वाला साल फील कर गए वो, जब हाथियों ने अल्लाह के घर पे अब्राहम ने हाथियों समेत हमला कर दिया था
और वहदत के हमसाए भाग गए थे। हाँ, अल्लाह के घर के हमसाए भाग गए थे। खाली हो गया था मक्का, बड़े 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 भाग गए। अल्लाह अकबर, मुतमईन था सिर्फ अली का दादा। एक अलहदा गुफ्तगू है, कभी रबी अव्वल में यहाँ नौकरी हुई, मैं आपको सारी गुफ्तगू सुनाऊंगा। फिलहाल मैं ये कह रहा हूं कि नाम और है, अलकाबात और है, कमालात और है, फजीलतें और है, कुनियतें और है। ये अलहदा बात है कि कुछ लोगों की कुनियतें इतनी अच्छी नहीं होती कि उनका उनके नाम के साथ जिक्र किया जा सके। कुछ सरदारों की कुनियतें, कुछ सरदारों के अलकाबात इतने मोतबर हैं कि वो उनके नाम के अज्जा बन गए। मेरी बातें समझ में? अच्छा, अगर किसी की कुनियत को छोड़ो, चलो किसी को फरार कहा जाता हो तो वो उसके नाम के साथ क्या लगाएंगे? नाम के साथ तो करदार ही सजता है ना, फरार तो नहीं सजता ना। हाँ, इसलिए नाम मोहम्मद फिर रहमतुल आलमीन ने सजता है। रहमतुल आलमीन कहा जाए तो तसव्वुर मोहम्मद कहा जाता है। नाम लिए बगैर रहमतुल आलमीन कहने के बाद मोहम्मद खुद ब खुद ज़हन में आ जाता है। मुस्तफाई ने इतना सजती है, मुस्तफा कह दिया जाए तो मोहम्मद। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मुस्तफाई ने इतनी सजती है, मुस्तफा कह दिया जाए तो मोहम्मद ज़हन में आ जाता है। नाम अली है, हैदर कहा जाए तो हैदर, अगर कहा जाए तो हैदर कहते हैं चीर फाड़ करने वाले शेर को। हैदर ना होता तो दीवार चीर के ना आ जाता। मेरी गुजारी समझ में आ रही है? मुर्तजा नाम का हिस्सा हो गया, मुर्तजा कहा जाए तो अली ज़हन में आ जाता है। अबू तुराब कहा जाए, बोलो अबू तुराब कहा जाए तो अली ज़हन में आ जाता है। मुश्तबा कहा जाए तो हसन ज़हन, अमीर कहा जाए तो हसन ज़हन में आ जाता है। कुछ अलकाबात है, कुछ कुनियतें है, कुछ एजाजात है, कुछ नाम है, कुछ सलीका है, कुछ प्रोटोकॉल्स है। कायनात ने इनके मुख्तलिफ नाम लिए हैं, असल नाम कुछ और है। अलकाबात उसका हिस्सा बन के और ज्यादा हसीन हो जाते हैं। 14 में 4 मोहम्मद, 14 में 4 अली, 14 में 2 हसन, ऐसे ही है ना। अब मैं अलकाबात पढ़ने लगूं, मैं कह रहा हूँ सूरत सीरत किरदार करम मौजूद है इन सरदारों में। मैंने कहा था मैं टोटल 20 मिनट पढ़ सकता हूँ, मोहसिन शाह ने मैंने कहा 10 मिनट पढ़ो आ जाओ काफी है, शुक्रिया आपका। अब ये पढ़ाते चले जा रहे हैं। सूरत सीरत किरदार करम मौजूद है इन सरदारों में, तौहीद का फन भी जाहिर है इन तैयब नक्श निगारों में। बच्चा रह तो नहीं गया भाई, तो मेरा पुत्र मुझे, मैं बच्चे खिलाने आया हूं। सूरत सीरत किरदार करम, मैं नौकर अंकल जी, मैं अंकल नौकर तो हूं। सूरत सीरत किरदार करम, सूरत सीरत किरदार करम मौजूद है इन सरदारों में, तौहीद का फन भी जाहिर है इन तैयब नक्श निगारों में। हैदर नाम क्या था बोलो? अली। हैदर मैं बोल रहा हूँ, सिफत बोल रहा हूँ, नाम क्या था? अली। हैदर आबिद, नाम क्या था? अली रैनुल आबिदीन। हैदर आबिद जामिन, बोलो नाम क्या था? अली। अली हैदर, अली रैनुल आबिदीन आबिद, अली रिजा जामिन, अली नकी हादी,
मैं कह रहा हूँ सुमर सीरत किरदार मौजूद है इन सरदारों में, तौहीद का फन भी जाहिर है इन तैयब नक्श निगारों में। हैदर आबिद जामिन हादी, हैदर आबिद जामिन हादी, अलकाब बदलते रहते हैं, ये चार अली है बारह में कुछ फर्क नहीं है। जुज़दान सफी भी तो वसी भी, जुज़दान का कुरान अली भी तो नकी भी। दिल साफ
नजर साफ लहर साफ करे है, है अजमत यजदान के पारों में ये चौथा है, अजमत यजदान के पारों में ये चौथा, खुद कसर हिदायत के मनारों में ये चौथा, तौहीद के हर कौन के इशारों में ये चौथा, चौदह में अली चार है चारों में ये चौथा। इस्लाम के हर काम में काज इसी का, कल की ही नहीं बात हुआ आज इसी का, हर एक खलीफा भी है मोहताज इसी का, हर एक खलीफा भी है मोहताज इसी का। मोहसिन साहब आपसे लेके शाह साहब तक सारी कायनात तोल के मेरी तली में रख दो, मेरे मिसल की मदी बनती, मैं कह रहा हूँ मुस्तनसरो मोतज जो अदावत में जले हैं, मुस्तनसरो मोतज ये उस दौर के हुक्मरान है, मुस्तनसरो मोतज जो अदावत में जले हैं, सब तख्त नशीन इसकी ही जूती के तले। नकी बादशाह से कह रहा हूं तू नूर है मासूम है कुरान बदन है, मेराज तेरी सैर है सिदरा ही वतन है। जियो यार जियो जियो जियो। गवार है ना कभी मोरख लिखेगा कि किस मौजू पे शौकत ने शेर पढ़ाए, मैं कह रहा हूं तू नूर है मासूम है कुरान बदन है, मेराज तेरी सैर है सिदरा ही वतन है, हाँ जो तेरे बच्चों का खिलौना है अदन है, जो तेरे बच्चों का खिलौना है अदन है, चौदह में है जो हुस्न की हद तेरा हसन है, है कोई जो हुस्न की हद की रात दे, चौदह में जो है हुस्न की हद तेरा हसन है, चौदह में जो है हुस्न की हद तेरा हसन है, अब किसको कहां कब तेरे लश्कर की खबर है, जो अस्करी कहलाता है तेरा ही पिसर है। बादशाह से कह रहा हूं मालिक चाहे तो पलट सकता है तकदीर की काया, ये सात आलम है तेरे हाथ की माया, चाहे तो पलट सकता है तकदीर की काया, ये सात आलम है तेरे हाथ की माया, पाओ में है महफूज कहीं अर्श का पाया, है कोई पावर पाए कि ना देने वाला,
पाँव में महफूज कहीं अर्श का पाया, साया भी नहीं और है यजदान का साया। भाई जिले इलाही है ना, ये जिले इलाही है ना, साया भी नहीं और है यजदान का साया। मौला कौसर भी तेरे नाम का मशरूब पिएगा, तू हशर तलक कौसर भी तेरे नाम का मशरूब पिएगा, कौसर भी तेरे नाम का, कौसर भी तेरे नाम का मशरूब पिएगा, तू हशर तलक सूरत महदी में जिएगा। सदा सलामत रहो, हजार गुना ज्यादा इससे पढ़ा जा सकता है, मेरी क्या मजाल है। मैं बादशाह हुसैन का सबसे छोटा नौकर किसी मातमी की चुकी तरह लिखा हुआ है शागिर्द, सैकड़ों सलाम आपको, बस चार से पांच मिनट आपके चाहिए। एक बार फिर उजड़े घर से जनाजा उठा, यकीनन बादशाह के आदार आए हुए, मातमी आए हुए, मातमदारी होगी, तो से ज़्यादा मैं पढ़ गया आप लोगों की दुआओं के सदक़े में। तबीयत ने इतना साथ दिया कि मैं नौकरी करने में कुछ कुछ कामयाब हो गया। दुआएं करेंगे आप तो बेहतर हो जाएगी तबीयत। मैं वहाँ भी क्या आया हूँ, यहाँ भी लाइव सुन रही है दुनिया, मैं दो चार दिन डॉक्टर्स के कहने पर नहीं पढ़ सकूँगा, आप दुआ करेंगे मौला शिफा ने। बस चार से पाँच मिनट मुझे टोटल चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 41 बरस 7 महीने ज़ाहरी उम्र है इस गरीब की, 6 साल का था जब यतीम हो गया। शाबाश जी, जीओ अंकल जी, अजीब दर्द का नाम है यतीमी। बच्चा 6 दिन का हो, 6 साल का हो, 60 साल का हो, यतीमी अजीब दर्द का नाम है, अजीब कैफियत का नाम है। 6 साल का बेटा यतीम हो जाना और बात है, 4 साल की बेटी यतीम हो जाना। जो गरीब बन के आए हाथ जरूर मारो। इन बादशाहों की शहादतों को शबे आशूर से कम न समझा करो। और जो ची में आए मुझसे कसम ले ले, मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है आज की रात सामर्रा की वादियों में, सामर्रा की गलियों में मोहम्मद की बेटी बाल खोल के लाए। अल्लाह अकबर। हर किसी को चले जाना है मालिक की बारगाह में, मैं भी चला जाऊंगा, आप भी चले गए, मैंने अपने कानों से उलमा से सुना है, कल जी आज की रात सामर्रा की गलियों में बतूल एक हाथ से दीवारें पकड़ा। पता नहीं मैं क्या पढ़ गया इस जुमले में सलीम भाई, जाकिर वाला के एक हाथ से दीवारें पकड़ पकड़ के चलती है बतूल, और मदीने की तरफ मुंह करके कहती बाबा मेरे बच्चों का जन्म क्या था, बाबा मेरे बच्चों का कसूर क्या था। कदे ना रोवो मेरी धियां, मौला इमाम हुसैन तो रिश्ता दिन थोड़ी झोलियां आबाद रहे, 2 या 2.5 मिनट मुझे और पढ़ना है मेरा बेटा। आप बेटियों से कह रहा हूँ, आप जरूर रोना, गरीब की बेटियां जरूर आई होगी मजलिस में, बेटों की अपनी मर्जी है, कोई ना कोई मातम करे ना करे उनका अपना मुकद्दर है। एक जुमला में रास्ता तलाश कर रहा हूँ सही, मौला की कसम में जो हर टाउन भी नहीं पढ़ सका। जो लोग मेरी वो मजलिस लाइव सुनते रहे वो गवाही देंगे, मैं उसे 6 महीने वहां भी नहीं पढ़ा, डर के मारे नहीं पढ़ा। 3-4 जुल्म इस गरीब पे ऐसे हुए ना जो 12 में से किसी और इमाम पे नहीं हुए। मसलन याहिया बिन हसमा हरामजादे को मुतवक्किल ने हुक्म दिया पर्दा कराए बगैर गरीब के घर चला जा, है किया कर, है किया कर, तेरे काम आएगी, मेरे काम के लिए तेरे काम आएगी।
अल्लाह पर्दा कराए बगैर मैं पाकां दी कसम ही मैनू लफ नहीं मिलता पिया मुनासिब मौला दे अल्लाह हो ते मेरे बुजुर्गों नाल तुहाडा वक्त गुजरे मेरे वास्ते बुजुर्गों की जगह हो मैं पाकां दी कसम मैं लफ नहीं मिलता पिया मुनासिब मैं किवें आखा जब ये याहिया इब्न हसना मेरे बादशाह के दरवाजे पे सिपाही लेके आया ना और इसने कहा कि मुझे घर के अंदर जाना है बादशाह ने कहा इस घर में तो बतूम रहती है उसने कहा मदीने में रिवाज है बहुत अमीर आदमी को छुट्टी है भाई जो गरीब बन के आया है तैयारी करो बेटा चलाने चलाना उठाना है तैयारी करो दो जुमले और पढ़ने हैं मुझे अल्लाह हु अकबर मैं मोशन पढ़ दूंगा मैं जानता हूँ ये मोनी रोड है मुझे सलमान शाह की वो गिरिया याद है मैं यहाँ से शेखुपुरे चला गया और मुझे यहाँ से फोन आया कि सलमान शाह भी गिरा पड़ा मैं इनको दुखी नहीं करने आया 14 की इज्जत की कसम है मुझे देख अगर तूने कहा है तो इन नहुम का मुसरा सामिया मक्तल के थे 300 बंदा इकट्ठा बतूल के दर पे आ गया और किसी का हाथ खाली नहीं था इससे आगे भी जरूरत है अल्लाह हु अकबर 300 बंदा यार हमारे थे बाप सड़क कर रही हो जाए ना तो अल्लाह अगर एक बंदे को दो आदमी मार रहे हो ना दो आदमी छुड़ा नहीं आ जाते दो आदमी पूछने आ जाते वो शंशान से क्यों मार रहे हो 300 बंदा मार रहा था पूछे किसी ने और मेरी अंधिया अल्लाह 300 आदमी दस्तक दिए बगैर गरीब के घर में दाखिल हो गए 20 साल जिला वतनी काटी है 9 साल नजरबंदी काटी है ये हराम नजर लेके मुतवक्कल के पास गए मदीने से लेके तू मुझे देख और मैं मेरे छोड़ रहा हूं ये लेके गए अल्लाह कर तुझे बात समझ आ जाए ये लेके मुतवक्कल के दरबार में दाखिल हुए कि तूने अली नेकी को बुलाया था उसे मदीने से ले आए ये हराम दादा के तो उसे कहो बाहर दरवाजे पे इंतजार करे मैं शराब पी रहा मकई मेरी मई हराम दादा के तो उसे कहो बाहर इंतजार करे मैं शराब पी रहा हूं मौला को ये पैगाम मिला कि उसने कहा मैं शराब पी रहा हूं मौला थौड़े मार मार के रोए किसी नौकर ने कहा मौला धाने मार मार के मर्दों के लड़े हो पर मत मुझे इतनी तोहीन महसूस हुई इसके जवाब से मैं अंदर से मर गया मैं सोच रहा हूं किसी दरबार में मेरा एक दादा खड़ा हुआ था उसकी लंगे सर पहने उसके साथ थी उसकी माए उसके साथ थी और सामने खड़ा करके हराम दादा शराब